अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। व्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ आज मैं, बीच में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे एक एक करके सारे मैं शेयर करूँगा। काफ़ी सारे मिस अप्स हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह एक एक करके मैं सारे आपको डिटेल में बताऊँगा, जिसकी वजह से मैं अनअवेलेबल था पिछले दिनों में और व्लॉग नहीं बना पाया। कुछ अपनी भी तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ इस तरह की कुछ मिस एप्स इस तरह के हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी मैं डिस्टर्ब था। सबसे पहले न्यूज़ इसमें जो थी वो ये है कि कुछ कैनल पे कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई कि मेरा जो बडी था, बडी एक्सपायर हो गया, एक दो डॉग्स और भी एक्सपायर हुए, लेकिन जो उसमें बडी था सबसे ज़्यादा जो हार्ट रेंचिंग चीज़ थी वो यही थी कि बडी एक्सपायर हो गया। खैर, अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। आज के दिन करते हैं जी शुरू। आज के दिन में दो तीन काम है जो हमने करने हैं, जिसकी वजह से मैं सोऊंगा नहीं अभी सहरी के बाद। तो सबसे पहले तो लेके जाएंगे अभी लीज़ा को वॉक पे, उसके बाद की रूटीन इंशाल्लाह फिर आपसे मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो ये लीज़ा, अब इसको ये चेस्टर पहना के लेके जाना अभी एक बड़ा मुश्किल काम है, मैडम आराम से पहनती नहीं है, तो अभी इसको ये पहनाएंगे फिर इसको वॉक पर लेके जाएंगे। Two thousand years later. A few moments later. हाँ जी, तो अभी जा रहे हैं अपने अगले काम की तरफ। अगला काम ये है कि एक एक्वेरियम सेटअप है, उसका ऑर्डर आया था हमें, वो आज कंप्लीट रेडी हो गया, तो उसकी आज डिलीवरी देनी है, इंस्टॉल करना है वो जाके। तो अभी सबसे पहले जा रहा हूँ थर्मोपोल शीट पिक करने, वो एक्वेरियम की बेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि एक्वेरियम लेवल में वो पिक करेंगे। उसके बाद शाहजी को पिक करना है, कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पर एक्वेरियम का, वो लेना और बस वो लेके फिर आगे जाना है एड्रेस की तरफ जहाँ पे इंस्टॉल करना। बाकी अपडेट इंशाल्लाह आपको साथ साथ देते हैं। हाँ जी, तो थर्मोपोल शीट पे कर लिया, अभी बस डलवाएंगे पेट्रोल और शाहजी को पिक करना बस, उसके बाद बस फिर निकलेंगे इंशाल्लाह आगे एड्रेस की तरफ। पूरे क्या बात है जी। हाँ जी, तो यहाँ से शाहजी को और बट को दोनों को पिक कर लिया, सामान भी सारा उठा लिया, अभी बस जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे अपने डिलीवरी एड्रेस की तरफ। बाकी अपडेट आपको इंशाल्लाह वहाँ पर जाके करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा उसकी भी अपडेट आपको साथ देते हैं।
शाह जी कुछ कहना चाहोगे? बस हम जा रहे हैं, रोजा बहुत सख्त लग रहा है अभी से, गर्मी बहुत है ना आज तो भाई। ये जो हमारा ऑर्डर था ना, ये शाह जी की तरफ से पिक किया गया था, शाह जी ने कस्टमर को डील किया था। हमारा यही होता है कि 50-50 है, तो शाह जी का कोई ऑर्डर शाह जी कोई पिक करें उस पर भी हमारा प्रॉफिट 50-50 है, मैं कोई ऑर्डर पिक करूँ उस पर भी हमारा प्रॉफिट 50-50 है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम मिलकर चलता है। A few moments later. मैं खरा काम कर रहा हूं, तो उन्होंने मैं वार दसना मैं खरा कर रहा काम, मेरे नाल ना वो काम कर के दस दे वे, मैं कारोबार छोड़ दिया। हां जी, तो एक्वेरियम सेटअप कंप्लीट हो गया, अभी बस हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, ताकि जिस जिस के जो जो काम है हम बाकी वो कर लें और एक्वेरियम के अपने शॉट्स देख लिए होंगे इससे पहले। बाकी आप में से भी किसी ने ऑर्डर करना हो इस तरह का एक्वेरियम या कोई सेटअप भी, तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तू गुजर जा। तो सिक्योरिटी है ना मलिक जी, आपके आगे जा रही है, देखिए आगे करे ना कैमरा, सिक्योरिटी जा रही है। आज हमारे पास मलिक साहब नई चीज आई है जी। हाँ जी, ठीक है। ये पहले आप बड़ा शेरा करते रहे। हाँ, तो शेरा भी चला गया है, तो ये हमारे पास बिजली आया नया, बिजली आ गया है और पक्का शानदार मोबाइल पे आ गया। बिजली कहाँ से आई हो आप? ठीक है, इधर क्या करने आए हो? आपके साथ टिकटॉक लाऊंगा। लव होएगा? लव होगा। यार ने क्या सोचा है इसके लिए, रोजों के बाद कोई प्लान है? शादी करा दो यार, बिजली अभी छोटा है यार। वो कहते मैं छोटा नहीं, वो कह रहा है मैं बड़ा हूँ। बट सब करते हैं कुछ कुछ ना कुछ करें, देखें वो बिजली तड़प रहा है पीछे। बिजली तड़प है रेंगलर। 5 hours later. हाँ जी, तो अफ्तारी वगैरह कर लिया, अभी हम आ गए चाय पीने, क्योंकि अफ्तारी के बाद चाय मैंडेटरी होती है। क्वेटा पाकिजा से, और साथ है मेरे अवैस। क्या हाल है अवैस? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब मेरे लिए तो सही सी, लेकिन यूट्यूब के लिए लॉन्ग टाइम नो सी। साले भाई कह रहे हैं अभी तक साफ नहीं करवाई। क्या मछली दी थी ना उन्होंने? अच्छा, साले भाई कह, मैं तो कल खुद ही साफ करके बना के खा गया हूं। वो मैंने ना थोड़ी सी कर्व करके रखी, वो मैंने भी शॉपर बंद है, तो कर्व सीधी नहीं हो रही थी बाद में। साले भाई साफ क्या करनी थी, एक मछली पानी में गई छपाक, दूसरी मछली पानी में गई छपाक, खत्म। समीर ने खा लिया, मैंने नहीं खाई। मैंने तो भाई काली बनाई खा ली थी। समीर ने खाई है, फिर इसको बेचारे को जरूरत पड़े तो हाँ जी, तो अभी आई3 आए थे, एक और दोस्त को पिक कर रहे हैं। बीजू, क्या हाल है बीजू? पहली दफा मैं किसी वीडियो में, पहली दफा हमारे व्लॉग में आ रहे हो, किसी भी वीडियो में पहली दफा आ रहे हो? नहीं, ये पहले आते नहीं हैं, वीडियोस में आते तो नहीं हैं। हाँ, लेकिन हमने नहीं देखी। क्यों बिंजू भाई? जी बिल्कुल। और सुनाए ठीक है, कैसा आपका कजन आर्यन अबासी एंड दयान अबासी? कराची गया हुआ है। कराची गया हुआ है? क्या क्या करने? अब वो मैं देख रहा था आज, ये नहीं उसने बताना था, ये नहीं बताना था, ये अभी उसने सीक्रेट रखना था, सीक्रेट या बाद में ब्रेक करना था उसने सीक्रेट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। A few moments later. हाँ जी, तो अभी बस थोड़ी देर पहले अवैस को ड्रॉप किया, अभी मैं और बीजू जा रहे हैं लीजा को लेके टेपिंग के लिए डॉक्टर के पास। ये बैठी हुई पीछे नजर आ रही हो तो, और हाँ बीजू डर तो नहीं लग रहा? बस थोड़ा थोड़ा लग रहा। बस बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है।
तो इतनी फेमस यूट्यूब के व्लॉग्स में आती है। नहीं लात नहीं। A few moments later. हाँ जी, तो लीजा को घर ड्रॉप कर दिया, मैं और बीजू शिफ्ट हो गए दूसरी। ये इधर के इधर ही हैं, 3 घंटे से घूम रहे हैं। ले आदमी देहान की गाड़ी में कभी एक जगह अपनी गाड़ी दे दी धुलने के लिए। और ये साथ बीजू किटकैट वाले डब्बों में शाजी आ गया। दूसरा और आपने ब्लू वाला मुझे दिखाया, ये खाली एक ही डब्बा रह गया। ठीक है। और वो वीट बॉक्स वाला भी, वो भी एक ही डब्बा रह गया। ठीक है। वो इस वजह से नहीं भेजे, बाकी किटकैट वाले जो ये खत्म हो गए। ठीक है समरिया ठीक है। अच्छा अभी ना हमें एक वो स्टोरी याद आ गई, पिछले साल एक दोस्त की एक्सीडेंट की, हम बैठे हुए थे इधर ही चाय पी रहे थे, अचानक हमें कॉल आई। क्या सीन था बताओ बीजू? कॉल ही उसका भाई हमारे साथ था, तो कॉल आती है कि जी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो आपसे तारुफ करा रहा है। खैर उसका जब बताया तो उसका भाई साहब था, वो कहता है वो फक यार ये क्या हो गया। मैंने सोचा है क्या अब बेचारा परेशान होगा, कहता है मैंने कल अपना बाइक ठीक किया था, हेलमेट भी तोड़ गया, बहुत नुकसान हो आपके भाई ऐसे हैं, आप लोग परहेज करें। हेलमेट कितने का था? 800 का। ये भाई था जो ज्यादा एक्सीडेंट करवा के पड़ा हुआ है, ये 800 से कम नहीं मिलेगा ना इसके।